दोस्तों, आज हम आपको ब्राजील के आइसलैंड के बारे में बताएंगे, जहां पर जहरीले गोल्डन पीट वाइपर्स की हुकूमत चलती है। ये टापू है ब्राजील के साओ पालो से 53 मील की दूरी पर समुद्र में स्थापित आइसलैंड, जिसे अब स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। रिसर्चर्स का ये तो मानना है कि इस आइलैंड पर आपको हर एक स्क्वायर मीटर में आपको 1 से 5 सांप देखने को मिल जाएंगे। और वहां के ब्राजीलियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो आखिरी इंसान जो यहां पर रहता था, वो एक लाइट हाउस पर ड्यूटी दिया करता था, और उसका काम ये था आने वाले जहाजों को आने में सही डायरेक्शन दिखाना, और लाइट हाउस को मैनेज करने के लिए वो अपने फैमिली के साथ यहाँ रहा करता था। लेकिन सांपों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उसे और उसकी परिवार को सांपों ने मार डाला। इससे पहले उन्हें कोई बचाने आता, तब तक उनके अंदर जहर फैल चुका था और वो मर चुके थे। हालांकि आपके दिमाग में एक सवाल तो आया होगा कि इस आइलैंड पर इतने सांप कहां से आए। दरअसल लोगों का कहना है कि यहां पर खजाना छुपा हुआ है, जो कि पायरेट छुपा कर गए थे। इनकी हिफाजत के लिए सांप आज भी अपनी पहरेदारी देते हैं। ये भी एक रहस्य बना हुआ है। तो अगर हम रिसर्चर्स की माने तो आइलैंड 11,000 साल पहले ये टापू ब्राजील से जुड़ा हुआ था, लेकिन सी लेवल बढ़ने के कारण ये ब्राजील से अलग हो गया और इस आइलैंड में इतने सांप नहीं थे जितने आज हैं। और समय बीतते ही इनकी आबादी हद से ज्यादा इस टापू पर बढ़ने लगी और यहाँ आज लगभग हर प्रजाति के सांप का बसेरा बन चुका है। और ये आइलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा सांपों से भरपूर माना जाता है, और ये सब सांप 5 गुना ज्यादा जहरीले हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ खतरनाक सांप गोल्डन लेंचेट सबसे जहरीला सांपों में से एक पाया जाता है। ये सांप येलो और ब्राउन कलर के होते हैं। यहाँ के सांप इतने जहरीले होते हैं कि इनका जहर आपको मांस को पिघला दे। अगर ये सांप ने काट लिया तो आधे घंटे के अंदर आपकी मौत पक्की है, और अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आपको जिंदा बचने के काफी कम चांस बचते हैं, और अगर आपने ट्रीटमेंट करवा लिया तो आपके बचने के सिर्फ 3% चांस रहते हैं। इस सांप का जहर इतना जहरीला होता है कि ये आपकी किडनी को फेल कर सकता है, आपके मसल टिश्यू को डैमेज कर सकता है, और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस आइलैंड पर आपको सांप के अलावा कोई जानवर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए, यहाँ पर जितने भी जानवर थे वो इन सांपों का खाना बन चुके हैं, और आज जानवर के ना होते इनके खाने की कमी होने लगी। फिर उन्होंने अपना शिकार पक्षियों को बनाना शुरू कर दिया, और जो भी यहाँ जाता वो इनका शिकार बन जाता है। इस आइलैंड का एरिया 4,30,000 वर्ग मीटर है। यहाँ पर करीब 20,00,000 जहरीले सांप यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सांप हर जगह दिखाई देते हैं, जमीन पर चलते हुए, पेड़ों से लटकते हुए और चट्टानों में छुपे हुए। और इसी कारण से ब्रिटेन गवर्नमेंट ने लोगों को जाने के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर रिसर्चर्स को जाने के लिए आज्ञा मिलती है, लेकिन कई लोग इलीगल तरीके से इस आइलैंड पर जाते हैं और यूनिक सांप को पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, जिसके चलते उनको काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन ये आइलैंड अब इतना खतरनाक हो चुका है, यहाँ पर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, और अगर यहाँ पर किसी ने जाने की कोशिश की तो वो जिंदा वापस नहीं आता। दोस्तों, आपको ये आइलैंड कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर